मोदी के दोस्त ने बिगाड़ा केजरीवाल का गणित, अध्यादेश पर केजरीवाल का नहीं केंद्र का दिया सा, क्या अब केजरीवाल के सपनों का होगा बंटाधार? जी सवाल तो जरूरी है ही, कहां जो अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, वहीं अब केंद्र ने फिर एक बार उनका खेल बिगाड़ दिया है और इस बार केंद्र का साथ मोदी के दोस्त ने भी दिया है। पीएम मोदी का हमेशा साथ देने वाले, उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, न जाने कितने विधेयकों को कानून में परिवर्तित करने में मोदी सरकार की मदद करने वाले, मोदी सरकार का साथ देने वाले बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने मंगलवार को एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किस तरह से हर एक फैसले में मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। वो भले ही आज एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो विपक्ष के साथ खड़े हैं, बल्कि वो तो साथ नहीं होकर भी एक सच्चे दोस्त की तरह हर वक्त मोदी सरकार का साथ निभाते हैं। आज भले बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। ऐसे में केजरीवाल को उम्मीद थी कि राज्यसभा में अध्यादेश बिल के खिलाफ उनकी जीत हो सकती है, लेकिन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने यहां पर केजरीवाल को चकमा दे दिया और कह सकते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मंगलवार को जब दिल्ली अध्यादेश वाले बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो बीजेडी ने अध्यादेश का समर्थन कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि केजरीवाल का एक और सपना मोदी सरकार के हाथों चकनाचूर हो गया। अब समझते हैं गणित कि आखिर बीजेडी ने केजरीवाल के सपने को तोड़ने में बीजेपी का साथ कैसे दिया। बीजेडी के पास है कुल कितने सांसद? बीजेडी एक बड़ी पार्टी है, लोकसभा में बीजेडी के पास 12 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में भी उसके पास कुल 9 सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा में तो ये बिल पास हो ही जाता, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने की वजह से पेच फंस सकता था। लेकिन अब बीजेडी ने एनडीए का लोकसभा में समर्थन कर केजरीवाल का सारा गणित ही बिगाड़ दिया है। बीजेडी ने लोकसभा में एनडीए का समर्थन किया है, इससे ये भी साफ है कि वो राज्यसभा में भी एनडीए का ही समर्थन करेगी। ऐसे में एनडीए के लिए राज्यसभा में अध्यादेश संबंधित बिल पास कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसे बाकायदा बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने बताया भी है, सुनिए जरा। द बीजू जनता दल हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट द पासिंग ऑफ द दिल्ली बिल एंड वी विल बी अपोजिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन ब्रॉट बाय द अपोजिशन। In this regard, a three-line whip has been issued by the party, both to the Lok Sabha and the Raj Sabha MPs, to be present in the House and do the needful. तो सुना आपने कितनी आसानी से मोदी के दोस्त की पार्टी ने मोदी की परेशानी का हल कर दिया। कहां बिल पास होने को लेकर राज्यसभा में बीजेपी के लिए टेंशन थी, लेकिन लोकसभा में ही मोदी के दोस्त ने जैसे दोस्त मोदी के माथे की सारी शिकन मिटा दी। मंगलवार को दिल्ली अध्यादेश संबंधित बिल को लोकसभा में पेश किया गया। बिल पेश होते ही हमेशा की तरह सदन में हंगामा शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के बारे में कहा कि इसे संविधान के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा, हमारे संविधान ने सदन को संपूर्ण सत्ता दी है, हमारे पास दिल्ली में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 6, 95 और 164F में साफ कर दिया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। वहीं केजरीवाल की मंशा थी कि वो INDIA संगठन का हिस्सा बनकर अपने समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ इस अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन जुटा लेंगे। इस बात पर तो 23 जून को हुई विपक्षी एकता की बैठक में केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला के बीच अनबन भी हो गई थी। केजरीवाल ने इस बैठक में कहा था, केंद्र के लाए गए अध्यादेश का हम विरोध कर रहे हैं और बाकी दलों को इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करना चाहिए। जैसे ही केजरीवाल ने बात कही थी, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पर एतराज जता दिया था और बदले में केजरीवाल से सवाल कर दिया था कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। हालांकि केजरीवाल की इस नोकझोंक और इस मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोकसभा में तो बीजू जनता दल ने दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर बीजेपी का साथ दे ही दिया। इससे अध्यादेश को राज्यसभा से भी पास कराने का बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया। क्या राज्यसभा में पास हो जाएगा अध्यादेश?
राज्यसभा में बीजेपी के 93 सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये 105 हो जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। ऐसे में बीजेपी के पास कुल 112 सांसद हैं। हालांकि बहुमत के आंकड़े से मात्र 8 सांसद कम है। बीजेपी को बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी के एक एक सांसद से समर्थन की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी को वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के भी समर्थन की जरूरत है, क्योंकि दोनों के राज्यसभा में 9-9 सांसद हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने बिल पर केंद्र का समर्थन करने का फैसला किया है और अब तो लोकसभा में ही बीजेडी ने भी केंद्र का समर्थन कर दिया है। मतलब बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है और केजरीवाल की करी कराई सारी मेहनत फिर एक बार स्वाहा हो गई है। फिर सवाल तो ये भी उठता है कि केंद्र के अध्यादेश में आखिर ऐसा है क्या? ये तो सर्वविदित ही है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में आईएएस और दूसरे अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की मंजूरी देने वाला एक अध्यादेश पारित किया था। ये अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने के फैसले के एक हफ्ते बाद पारित किया गया था। इस फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों को बाहर रखा गया था। निर्वाचित सरकार ने ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण गठन करने की मांग की थी। फिर दिल्ली सरकार का ये भी मानना है कि ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, इससे सीएम की शक्तियां कम हो गई हैं। कैसे, समझते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है, ये अध्यादेश पूरी तरह से निर्वाचित सरकार के सिविल सर्विसेज के ऊपर अधिकार को खत्म करता है। ये अध्यादेश संस्थाओं का निर्वाचन करने की शक्ति केंद्र को देकर निर्वाचित सरकार को और भी कमजोर बना रहा है। राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण को इस तरह से बनाया गया है कि इसके अध्यक्ष तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो हमेशा अल्पमत में रहेंगे। समिति में बाकी 2 अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ वोट डाल सकते हैं, सीएम की अनुपस्थिति में बैठक बुला सकते हैं और सिफारिशें भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक तरफा सिफारिशें करने का काम किसी अन्य संस्था को सौंप भी सकते हैं। बस इसी सबसे केजरीवाल सरकार के अंदर असुरक्षा की भावना आ गई और वो लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। लेकिन अफसोस, मोदी के दोस्त ने ऐसा पासा फेंका कि केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। वैसे अध्यादेश पर लोकसभा में बीजू जनता दल के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। The Biju Janata Dal has decided to support the passing of the Delhi bill, and we will be opposing the no confidence motion brought by the opposition. In this regard, a 3-line whip has been issued by the party, both to the Lok Sabha and the Raj Sabha MPs, to be present in the house and do the needful.